ओम शांति। अंतिम समय के 8 पेपर में से आज हम 7वें पेपर को देख रहे हैं, क्योंकि पेपर तो हर एक आत्मा को फेस करनी है। केवल 8 आत्माएं जो बिना पेपर फेस किए जाएंगे, बाकी सबको थोड़ा ज़्यादा जैसा जैसा उनकी तैयारी होगी, जैसा जैसा उनका कार्मिक अकाउंट होगा, वो उनको फेस करना ही करना है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी या कसर नहीं रह सकती। आज जो है शारीरिक कर्म भोग के पेपर, शारीरिक कर्म भोग के पेपर, क्योंकि शरीर में अनेक प्रकार के रोगों का होना, अचानक रोग आ जाना, जिनके कारण लास्ट समय पर दुख की फीलिंग, दुख की महसूसता होगी। अचानक शरीर का अंग कट गए हैं, अचानक कोई शरीर के अंग जल गए हैं, जिसके कारण दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते, कोई हेल्प करने वाला नहीं आ रहा है। भूकंप आया है, ये शरीर कहीं दब गया है, मरे नहीं है। अब वहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, घुटन हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, और सांस भी मान लो कहीं से हवा आ रही है, परंतु जीविका के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, हमारे पास कोई इलाज नहीं कि हम बाहर निकल सके, कोई तरीका नहीं कि हम बाहर निकल सके। अनाज पानी वहां पहुंच नहीं सकता, वहां जीव जंतुओं का भी अटैक हो सकता है। ऐसे टाइम पर शरीर छोड़ना पड़े, कितना दर्द, कितना तकलीफ हो सकती है। क्योंकि भूकंप में भी दब सकते हैं, बाढ़ में भी दब सकते हैं, तूफान के कारण हम ऐसी जगह पर फंस सकते हैं, घायल हो सकते हैं, अचानक बीमारी हो सकती है। ये सब हो क्यों रहे हैं? हमारा पूर्व जन्मों का रहा हुआ कार्मिक अकाउंट बराबर हो रहा है। क्योंकि बिना अकाउंट बराबर किए तो हम घर नहीं जा सकते ना। कोई भी आत्माएं आकर घायल कर सकती हैं। अब वो घायल करके चले गए, अब हमें तड़पना पड़ रहा है। जीव जंतुओं को द्वारा भी घायल हो सकते हैं, पशु पक्षियों के द्वारा भी घायल हो सकते हैं। ये सारे कर्म भोग लास्ट मोमेंट पर आ सकते हैं। और भी इसी प्रकार से आप इमेजिन कर सकते हैं। क्यों करें इमेजिन? ताकि हम उस प्रॉब्लम के लिए अपने आप को सामना करने की शक्ति दे सकें। क्योंकि एक एक प्रॉब्लम को
सामने लाना है और उसका सामना करने की शक्ति को अपने अंदर जागृत करना है। जब हमारे अंदर वो शक्ति जागृत हो जाएगी, जिस समय वो समस्या आएगी, तो हम बड़ा सहज रीति से उसे पार कर लेंगे। जैसे वैक्सीन लगा दिया जाता है तो वो क्या करता है, हमारे अंदर उस बीमारी के प्रति अवेयर कर देता है, हमारे उसको फेस करने की जो शक्ति है उसको जागृत कर देता है। इसी प्रकार से हमने अब अपने अंदर वो शक्ति जागृत करनी है जिससे हम इस प्रकार की विभिन्न समस्याओं को आने पर समाधान कर सकें। बाबा हर समस्या के समाधान की एक ही गोली देते हैं, बस उस गोली को प्रयोग करने की विधि आनी चाहिए। उस गोली की पहली बात आती है कि आपने समझ लेना है, स्मृति में आना है कि ये मेरा पेपर है और पेपर में मुझे पास होना है। पास होने का मतलब है कि मुझे खुश रहना है, मेरी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। कुछ भी चला जाए, ये शरीर का एक एक अंग चला जाए, परंतु मेरी खुशी गायब ना हो, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पैर दबा हुआ है, पैर फंसा हुआ है, खींचू तो पैर टूटेगा, नहीं खींचता हूं तो मैं नहीं निकल सकता। कोई निकलने का रास्ता नहीं है मेरा, सिर्फ मैं पैर के कारण वहां फंस गया हूं और फंसा भी ऐसा है कि निकल नहीं सकता। अब मेरा यदि देह से मोह है तो मैं देह को नहीं छोड़ सकता। देह को नहीं छोड़ सकता और मैं देह के मोह से मुक्त हो गया हूं तो मैं ओके ओम शांति, देह से अलग। अब ये अभ्यास जिस आत्मा ने किया होगा वही सतयुग के अभ्यासी होंगे और वही अंत में देह को सहज रीति से छोड़ सके। खुश रहेंगे, खुशी से देह को छोड़ेंगे। देह तो छोड़नी पड़ेगी परंतु उसमें तड़प तड़प कर दो दिन बाद देह छोड़ेंगे, तीन दिन बाद देह छोड़ेंगे, वेट करना है तो वेट भी करें पर खुशी गायब नहीं कि शायद कोई आए और आकर इस देह इसको हटाए और मुझे मुक्ति मिल सके। वेट कर लो परंतु खुशी गायब नहीं हो, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। जो भी उस समय इमेजिन कर सकते हैं कि ये तकलीफें आ सकती हैं, कोई बात, अच्छा है, ये मेरा कार्मिक अकाउंट बराबर हो रहा है। जहां सहन करने की सीमा समाप्त हो रही हो तो देह से अलग हो जाओ, ओम शांति।
बाबा आपके सिवाय तो अब मेरा कोई है ही नहीं ना, अब तो मुझे परमधाम जाना है। और मुझे परम धाम भी कैसे जाना है, खुशी से जाना। ना देह का बंधन, ना देह के संबंधों का बंधन, ना देह से संबंधित किसी वस्तु का बंधन। खुशी गायब नहीं हो, चाहे कितना समय शरीर में रहना पड़े, तो चाहे शरीर को छोड़ना पड़े, क्योंकि शरीर तो छोड़ना है, तभी तो मैं घर जाऊंगा। बाढ़ में फंसा हुआ है, पानी पीने लायक भी नहीं है, पानी में उतरता है तो मरता है, पानी पीता है तो मरता है, परंतु चाहे वो पेड़ का सहारा मिला है, या ऊंचे चट्टान का सहारा मिला है, या कोई छत का सहारा मिला है, जिसके कारण मरे नहीं, नहीं तो पानी में बह जाते और मर जाते। पानी में बह गए हैं और शरीर छोड़ना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, ओके, ओम शांति, चलो अपने घर। हमें शरीर का क्या, जहां जाएगा जाएगा, हमने तो अपने घर जाना है ना। जब तक शरीर को संभाला जाए संभालो, नहीं संभाला जाता तो छोड़ने में भी कोई दुख नहीं हो। ये बात हमने पहले से अपने आप को मन मना भाव की हुई होगी तो अंत समय इस पेपर को पास करना, क्योंकि ये पेपर हर एक को छोटा बड़ा पास करना, क्योंकि शरीर छूटने का कारण कुछ भी हो सकता है, कोई आके घायल कर सकता है, कोई आके मार सकता है, कोई आके गोला गिर सकता है, जिसके कारण शरीर आधा जल गया आधा बच गया। भाई पूरा जल जाए तो आत्मा एक सेकंड में बाहर, पर तो पूरा नहीं निकला, कर्म भोग है तो वो आधा जला है, ना मरने में ना जीने में। उस हर दर्द को सामना करना है, सहने करना है। मेरा पेपर है, खुशी गायब नहीं, कोई क्रोध, कोई अहंकार, कोई बदले की भावना ना, भय ना, डिप्रेशन ना, चिंता। एवरीथिंग इज ओके, तो पेपर में पास हो सकते हैं। तो इसके लिए अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।